अली मोहम्मद खान साहब, मुझे बताइएगा कि फैसल वाडा साहब को सेनेट के लिए नामजदगी उनकी हो गई है, जबकि वो कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं, तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि फैसल वाडा साहब ने जो कागजात नामजदगी जमा कराए थे उसमें जो मालूम दी थी उस हवाले से, क्योंकि एक वो चल रहा है मामला कि वो मालूम शायद ठीक नहीं थी, तो क्या वो वाकई ठीक नहीं थी? इस वजह से डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज़ अ सिटिंग MNA, आपने उन्हें सेनेट का टिकट भी दे दिया है PTI ने? नहीं महसूस साहब, उसका फैसला तो अदालत करेगी कि क्या मालूम ठीक थी या नहीं थी। जो वाडा साहब का व्यू है वो सबके सामने है कि वो अपनी बात पे वो कायम है कि उन्होंने कोई लॉ के खिलाफ काम नहीं किया, लेकिन चूंकि वो हमारे एक मेन मेंबर हैं और बड़े हमारे एक स्टालवर्ट हैं, स्टेडफास्ट आदमी, ऑनेस्ट आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बगैर लगी लपटी के सीधी बात करते हैं, ठीक है, तो फिर वो सीधी बात करते हैं तो पहले बैठे हुए हैं, तो उसमें तो कोई नया टैलेंट लेकर आए ना सर, कोई नया टैलेंट लेकर आए सेनेट में, वो तो पहली नेशनल असेंबली में पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो नौजवानों की बात करते थे खान साहब। सर नए टैलेंट तो आप भी हैं, एक ही बंदे को दो दो जगह पे आप अकोमोडेट कर रहे हैं। नहीं सर, मैं मेरी छोड़े, मैं तो गरीब आदमी बेचारा, मैं यहाँ पे तो गरीब, तो सर मैं कौन सा, मैं खुश हूँ सर। अच्छा मैं और सर मैं यार, आप मुझे फख्र है यार, हम जो है टेक्नोक्रेट तो खैर नहीं है, लेकिन हम प्रोफेशनल लोग हैं, मिडिल क्लास के लोगों को इमरान खान ने उधर भेज दिया, दामड़ा साहब भी कोई अरबपति नहीं है, मैं समझता हूँ ये भी मिडिल क्लास के आदमी है, हम लोग, हम जैसे लोगों को आना चाहिए यार। मैं किसी अमीर की सियासत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पैसे के जोर पे नहीं, कलम के जोर पे, मेहनत के दम पे आए। मैं आपकी बात की तरफ आना चाहता हूँ। आपने जो सवाल किया, देखें तो जब अदालत में केस होता है तो उसमें दोनों साइड्स हैं, उनके खिलाफ भी फैसला आ सकता है। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि जो हमारे जो वाडा साहब हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहें, अगर बिलफर्ज महाल अल्लाह ना करे के खिलाफ फैसला आता है तो वो सेनेट में मौजूद हों, वो एक ऑप्शन है। लेकिन मैं जो दूसरी उससे इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी सेनेट का इलेक्शन आने वाला है और नाम अनाउंस होने वाले हैं, बार बार आप उसको डिस्कस भी कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखें इमरान खान साहब को आप सियासत से माइनस करें सिर्फ एक लम्हे के लिए, फिर आप देखें कि जो चीजें थोड़ी बहुत अच्छी हो भी रही हैं वो भी ना होती, यानी कि इस चीज को डिबेट तो बनाया ना, आज इस बात पर बात तो हो रही है, लॉ सुप्रीम कोर्ट में चले गए, आईनी तरमीम के लिए कौमी असेंबली का रुख कर लिया, ऑर्डिनेंस भी पास करा दिया कि यार ये इलेक्शन साफ शफाफ हो। मैं कहता हूँ जो भी आए, मैं ये कहता नहीं हूँ कि अलिफ आए बे आए जीम आए, मैं अपनी जमात के हवाले से बात करूँ, मुझे अपने लीडर पर ट्रस्ट है, ईमानदार लोगों को लेके आएंगे, शो ऑफ हैंड इसलिए चाहते हैं कि यार पैसे वाले लोगों जो है उनकी जरूरत ही ना पड़े किसी जमात को, सच्ची बात करूँ, ताकि ईमानदार मिडिल क्लास के काबिल लोग आए, और उसके लिए मैं कहता हूँ कोई भी आए PTI फेस हो।